हाय फ्रेंड, मैं अमृता सिंह, मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो देख सकते हैं आज मैं ये टेडी कैप लेके आई हूँ। मैं इसको बताऊंगी आप लोगों को कि ये टेडी कैप इसे कैसे बनाते हैं। ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अगर किसी भी टेडी में आप ये इस टाइप का कैप लगाते हैं तो वो कितना खूबसूरत लगेगा। टेडी की जो खूबसूरती है वो इससे इस कैप से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप किसी भी टेडी में इस टाइप का कैप लगाते हैं तो ये बहुत ही इजी तरीके से ये इसका कैप बन जाएगा, देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें ताकि तब जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मटेरियल देख लेते हैं, हमें किस किस मटेरियल की जरूरत है। तो ये हमें मार्कर चाहिए, सुई धागा एंड ये कैंची, और ये ड्राफ्ट चाहिए आपको, जो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके A4 साइज प्रिंट में निकलवा के आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये कारपेट लिया है, प्रिंटेड कारपेट है। देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे फर हैं बिल्कुल इसमें। ये हमें 35 सेंटीमीटर चाहिए। देखिए जो मैं टेडी का कैप बना रही हूँ बिग टेडी का बना रही हूँ। अगर आप छोटे टेडी का बनाते हैं तो उसमें छोटा ही उसको बनाएं, उसमें कपड़ा भी कम लगेगा। तो ये बिग टेडी के लिए है तो इसमें मैं 35 सेंटीमीटर का ये कपड़ा ये कारपेट ली हूँ। और ये हमें ये मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। आप इसके जगह आप फेल्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो टेडी का जो कैप होता है फैब्रिक कपड़े से ही बना सकते हैं, उससे ही बनेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसके बाद हमें ये फाइबर चाहिए, फाइबर उल चाहिए 50 ग्राम, और बुकरम चाहिए हमें 25 सेंटीमीटर। और आपके पास अगर बुकरम ना हो तो आप ये जो कार्डबोर्ड होता है आप इसे भी वहां पे काट के यूज कर सकते हैं। तो कार्डबोर्ड हमें अगर कार्डबोर्ड ले रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर ले लें, और नहीं तो बुकरम आपके पास है तो आप बुकरम भी 25 सेंटीमीटर ले लें। आपके पास जो दोनों में से अवेलेबल हो आप वो लें। मेरे पास बुकरम नहीं है इसके वजह से मैं ये कारपेट यूज कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग भी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका कटिंग करते हैं। कटिंग ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता देती हूँ, ये इसका जो कैप का ओनली 3 पार्ट है, देख सकते हैं ओनली टोटल इसका जो पीस है वो 3 ही पीस है। तो इसमें एक ये गोल वाला है, इसका हमें एक बुकरम पे कट करेंगे। बुकरम हो तो आप बुकरम पे कट करें, और ना हो तो आप कार्डबोर्ड ले लें और एक बुकरम कार्डबोर्ड पे कट करें, एक प्लेन मतलब फेल्ट उसका जो अस्तर रहने के लिए, या आपके पास कपड़ा हो तो कपड़ा यूज करें, नहीं तो उसके जगह आप फेल्ट यूज करें। और ये वन पीस कारपेट जो सबसे फ्रंट पे लगेगा उसका ऊपर में, तो वन पीस कारपेट मतलब इसका हमें 3 पीस कट करना है, 1 बुकरम पे, 1 प्लेन और 1 कारपेट। उसके बाद ये वाला आता है हमारा, इसका आपको 1 पीस कट करना है, ओनली 1 पीस आप इसका कट करें। सब पे लिखा हुआ है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद ये वाला आता है साइज हमारा, तो ये वाला भी इसे हमें 3 पीस कट करना है, तो एक बुकरम पे कट करना है, एक प्लेन कपड़े पे कट करना है, और 1 एक कारपेट पे कट करना है। तो इसका भी आप 3 कटिंग ऐसे ही कर लें। तो चलिए इसका हम कटिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कट हो गया है। तो देख सकते हैं इसका हमने 3 पीस कट किया है, ये हमने एक प्लेन पे कट किया है, और ये हमारा एक कारपेट कट किया है हमने, और ये एक हमने कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड इसलिए लगाते हैं ताकि वहां पे थोड़ा टाइट रह सके वो। ये देखिए ये कट किया हमने। इसके बाद हमारा ये है, ये भी हमें 3 पीस कट करना था, ऐसे देख सकते हैं एक मैंने ये कट किया है, एक ये प्लेन इसी साइज का कट हुआ है देख सकते हैं, और एक हमने ये कट किया है, ये देख सकते हैं 3 इसका भी कट हुआ है। और इसके बाद इसका हमें 1 पीस कट करना था, तो ये देखिए
हमने इसका वन पीस कट किया है। अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। तो चलिए देखिए इसकी कैसे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसका हमें ये जो कार्डबोर्ड वाला हिस्सा है इसे हम बीच में दोनों कपड़ों के बीच में रखेंगे। ये देखिए हमने इसको बीच में रख दिया और इसके ऊपर से हम इसे ऐसे रखेंगे। ये ऊपर हमारा कारपेट हो गया, बीच में ये कार्डबोर्ड हो गया और उसके नीचे हमने ये कपड़ा डाल दिया है। इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। अगर आपको मशीन पे सिलाई करना आता है तो आप इसे मशीन पे सिलाई लगा दें ये पूरा, और अगर मशीन से सिलाई नहीं आता है तो आप सुई धागे का इस्तेमाल करें, आप सुई धागे से इसकी सिलाई लगाएं। तो इसे ये पूरा ऐसे करते हुए ये पूरा दोनों अच्छे से ये पकड़कर आप ये पूरा इसकी सिलाई लगा दें। इसमें कहीं से ओपन नहीं रखना है, आप पूरा इसको ऐसे पकड़ के पूरा इसकी सिलाई लगा दें। चारों साइड से इसे बंद कर देना है, आप इसे करके ऐसे इसकी सिलाई लगा लें। सिक्के ये देख सकते हैं ये हमारा सिल चुका है। ये देखिए हमने इसमें बीच में हमारा कारपेट है और इधर प्लेन कपड़ा है और इधर ये कारपेट और बीच में कार्डबोर्ड है। और ये देख सकते हैं ये हमने इसकी सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए तो इसकी सिलाई, इसकी भी सिलाई वैसे ही लगानी है हमें। ये देखिए बीच में हमें कार्डबोर्ड रखेंगे, एक साइड से प्लेन कपड़ा और इधर से हमारा ये देखिए ये कारपेट आ गया। और इसको पकड़ के ऐसे सिलाई लगा देना है। ये पूरा ऐसे देख सकते हैं ये मैंने मशीन से सिलाई लगाया। आप अगर आपको भी मशीन चलाना आता है, आपके पास मशीन है तो आप मशीन से ही सिलाई लगाएं, क्योंकि इसमें सीधा लगाना है सिलाई तो बहुत ही आसानी तरीके से मशीन से हो जाता है। तो ये देखिए हमारा सिल चुका है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए ये वाला हिस्सा लेंगे और ये वाला, और इसको ऐसे हमें इसमें सिलाई लगानी है। जैसे ये देखिए ये वाला कारपेट वाला हिस्सा और ये कारपेट दोनों ऐसे मैच करना है, दोनों अंदर है। और इसके बाद से ये हमें ऐसे पकड़ के पूरा इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए ये ऐसे पूरा पकड़ते हुए पूरा हमारा इधर तक आ जाएगा, ये पूरा ऐसे हमारा सिल जाएगा और ये थोड़ा सा बच जाएगा यहाँ पे थोड़ा पे, तो आप इसको ऐसे सिलाई लगा दे। ये देखिए फ्रेंड ये हमारा बिल्कुल ऐसे सिल जाएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसकी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड ये हमारा सिलाई हो चुका है पूरी, राउंड से देख सकते हैं आप ये पूरा सिलाई हो चुका है। अब हम इसको सीधा करेंगे, इसको अच्छे से बिल्कुल हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए फ्रेंड ये हमारा अच्छे से सीधा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से में हमारा ये वाला जो पार्ट है इसकी हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको ऐसे उल्टा कर दें और उल्टा करने के बाद इसे ऐसे सीधा रखेंगे और इसको इसमें ऐसे पकड़ पकड़ के सिलाई लगानी है। ये देखिए इसका ये वाला और इसमें इसकी ऐसे पूरा चारों साइड से इसमें हमें ऐसे ही पकड़ के पूरा सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड ये पूरा हमारा ऐसे इसमें सिलाई हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड ये हमारा इसमें पूरा सिलाई लग चुका है, देख सकते हैं हमने इसमें पूरा ये जोड़ दिया है इसको। इसके बाद हम इसमें फाइबर डालेंगे। देखिए हमें फाइबर इसमें कैसे डालना है, बिल्कुल थोड़े थोड़े फाइबर लेना है, ज्यादा नहीं, ये देख सकते हैं। और थोड़े थोड़े इसके चारों साइड इसको लगाना है ऐसे करके। ये देखिए फ्रेंड इतना हमने इसे फाइबर डाल दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका ये वाला पार्ट है इसको इसमें ऐसे पकड़ के इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको ऐसे पकड़ के पहले हम यहाँ पे एक कच्चा जो है सुई से हम इसमें पहले सिलाई लगाएंगे।
थोड़ा थोड़ा पकड़ के, और सुई से लगाने के बाद फिर हम इसी पे सिलाई मशीन जो है वो चला देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम इसमें ऐसे ही पूरा करके, ऐसे राउंड राउंड करके हमें पहले इसमें सुई से करना है। ये देखिए फ्रेंड कैसे हमारा ये ऐसे ही पूरा राउंड हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप इसकी जो पूरा है वो आप इसकी सिलाई ऐसे ही लगा ले। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने पूरा सिलाई लगा दिया है। पहले सुई से सिलाई लगाया, उसके बाद हमने इस पे पूरा मशीन चला दिया है। देख सकते हैं ये जो हमारा टेडी का कैप है ये पूरा रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। यप, हम किसी भी टेडी पे इसको, ये जो हैट है इसका, हम उस पर अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस टेडी पे लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस टेडी में हार्ट, ये जो इसका कैप है अटैच किया है, तो ये टेडी का जो खूबसूरती है और बढ़ गया है। देख सकते हैं आप कितना क्यूट लग रहा है टेडी इस हैट के साथ। आप भी ऐसा घर बैठे बना सकते हैं, देख सकते हैं ये। और मैं इस टेडी का भी वीडियो जल्द से जल्द लाने वाली हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। देख सकते हैं ये टेडी हमारा कितना क्यूट लग रहा है, बिल्कुल। तो अगर आपको ये कैप पसंद आया हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना ना भूले एंड साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।